ओम शांति। आज 23 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली है वारिस बच्चों की निशानियां या लक्षण, जिसमें विशेष बाबा ने कहा कि वारिस बच्चे या ईश्वरीय बर्थराइट लेने वाले बच्चों की सबसे पहली निशानी होगी कि वह पूरा पूरा बाप को फॉलो करेंगे, कभी भी शूद्रों के संग में नहीं जाएंगे। बाप की श्रीमत को एक्यूरेट समझते हुए उसका पालन करेंगे, उसमें कभी भी मनमत या रावण की मत को मिक्स नहीं करेंगे। साथ ही बाबा कहे वो एक दूसरे को भी सावधान करते रहेंगे और अपनी उन्नति का विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही बाबा कहे कभी भी वो कोई भी प्रकार के उल्टे कर्म करके अपनी इज्जत को गंवाएंगे नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय बर्थराइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर है, ऐसे वारिस बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे, पहली निशानी। दूसरी निशानी, शूद्र के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे, कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा सच्चा पोता मिल बाप को सुनाएंगे। चौथा, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवा, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, जगतम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा है जगत अम्बा की। माता की महिमा है तो एक और बाबा कहे ब्रह्मा माँ भी माता है, लेकिन गुप्त है, और इसीलिए बच्चों की संभाल के लिए जगत अम्बा को मुकरूर किया गया है। तो ये महिमा जगत अम्बा की भी है तो ब्रह्मा माँ की भी है। तो बाबा कहे ये महिमा है जगत अम्बा की, वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मा पुत्रा नदी भी है। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना, ब्रह्मा भी माता हो गई ना। यह है गुप्त बातें, यह बातें शास्त्रों में नहीं है, बाबा ने समझाया है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री, बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। इसीलिए बाबा को किसी शास्त्र का आधार लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। बल्कि गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है।
बात कहते हैं, मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का वर्णन बाबा कहे इस ब्रह्मा द्वारा करता हूँ। फिर यह वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सदगति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स है पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है। बाबा कहे यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। ऐसे देवी देवता फिर से बन रहे। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की। सबसे पहले नई सृष्टि कहेंगे संगम को। पुराना और नया, ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो, बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात रूह की सर्विस करना या रूहानी सर्विस करना, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम 100 देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर रावण की मत से क्या होता है, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, यह दुख बढ़ना ही है। तब तो मैं आता हूँ, मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यह गीता आदि भी वही बनेंगी। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है, सबको जाकर के समझाना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। कैसे समझाना है वो भी बाबा सिखाते हैं कि स्कूल में जाकर कहो तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब ये ऊंच पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, यह है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती है, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है, तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा के पूछो उनको कि तुम जानते हो
कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितने एरिया पर? अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं, वहां यह बातें होती नहीं। स्वर्ग में पार्टीशन आदि की बातें होती नहीं, वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े हो गए हैं, ये सब मिलकर एक हो सो तो हो नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्यूरिटी नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी, अभी नो प्यूरिटी नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी है। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि के पास क्या शांति मिलेगी? बाबा कहे जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा मैं अशांत हूं। सतयुग में कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूं, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं है। कौन सी बात पता नहीं है? कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा, आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता नहीं है। भाव कहे आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता नहीं है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा। शूद्रों का संग का असर जरूर पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा, किसको बाबा ने तमो पुरुषार्थी कहा? तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा, शाहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है।
बाप का हाथ छोड़ दिया तो उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मिल भेजे, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है, श्रेष्ठ संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं। बाप समझाते हैं, स्त्री पुरुष हो भल साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंच है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, उनको कैंसल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं, पुराना बर्थ मनाना कैंसल कर नया मनाओ। बाबा की राय है ये, राय कहो श्रीमत कहो, तो बाबा राय देते हैं पुराना बर्थ मनाना कैंसल कर नया मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वह भी कैंसल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए, परिवर्तन जरूर ले आना है। बाप सिकिल धे बच्चों को कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तुम अनेक बार राज्य भाग्य कमाते और लेते हो, कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सैक्रिफाई कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों न हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं, तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह ही पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है, बाबा साक्षात्कार कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुना किया, 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं। बाप की निंदा कराते हैं, श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। इस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। कोई ऐसी बात है, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या? बाबा के एक एक को छिपाकर बुलाकर समझाए, बाबा तो होलसेल में सबको समझा देते, ताकि दूसरा भी कोई ऐसी गलती करने वाला हो तो वो न करे। तो इसीलिए बाबा कहे, ये कोई इज्जत उतारने की बात नहीं है कि भाई सभा में बाबा ने क्यों कहा। तो बाबा क्या एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या? बाप तो सबके सामने कह देते हैं। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता, बाप तो वहां ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बन। बाबा तो श्रीमत बता देते हैं, बाबा कहें तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बन। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए, अपना मुंह आईने में देखना चाहिए, हम कहां तक लायक बने हैं। जहां तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है, 16108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाखों शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना।
तो लाखों शालिग्राम सब बाबा के मददगार होंगे ना। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली संगम युगी ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना है कि हमको योग में बिठाओ, एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो बस। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके, ये बाप ही कहते हैं। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके, ये बाप ही कहते हैं। कौन सी बात? माम एकम याद करो, स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, साक्षात्कार बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। बाबा कहे आज की मुरली से पहले गीत बजा था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुक्रूर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये कृष्ण प्रिंस से अब बेकर बन गए हैं। श्री कृष्ण का चित्र बाबा दिखाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेकर बन गए हैं। बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो? जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है, श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है, शूद्र का संग नहीं करना है, बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है, ईश्वरीय बर्थडे मनाना है आसुरी नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूरत भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूरत भव। समय की परिस्थितियों के प्रमाण, समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूरत बनो, इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो, किनारों को सहारा नहीं बनाओ। आज का स्लोगन है शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो, शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। अच्छा ओम शांति।